कहते हैं खोटा सिक्का भी समय आने पर आपके काम आ सकता है। कैसा लगेगा आपको ये जानकर जब मैं आपको बताऊंगा कि एक खिलाड़ी जिसको कि एक टीम ने गलती से ऑक्शन में खरीद लिया था, आज वही खिलाड़ी उनके लिए वो खोटा सिक्का साबित हुआ जिसने आज उनकी नैया पार लगाई। प्रीति जिंटा आज डगआउट में दिखाई नहीं दे रही थी उछलते कूदते, शायद यही सोच रही होंगी कि आखिर मैं शशांक को किस तरीके से जाकर थैंक यू बोलूंगी क्योंकि मैंने तो उसको एक गलती बताया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि आज के मैच के हीरो रहे शशांक को पंजाब किंग्स ने गलती से खरीदा था। हालांकि इस बात को उन्होंने माना नहीं, बट ये बात एविडेंटली तौर पर क्लियर थी कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था और बाद में उन्होंने शशांक सिंह को खरीद लिया था जो 32 साल के हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, जबकि उनको एक यंग शशांक को खरीदा जिसकी एज 19 साल है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था और क्योंकि उस समय उस डील के ऊपर हैमर पड़ चुका था, इसीलिए जो डील कराने वाली महिला थी उसने इस पूरे डील को रिवर्स करने से मना कर दिया था। लेकिन आज उसी शशांक ने आज वो पारी खेली है जिस पारी ने पंजाब की नैया को पार लगाया है। बहुत बड़ा ये एक किस्सा रहा है आईपीएल का, जरा पहले वो बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि आज के मैच में क्या कुछ हुआ है। मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेकर आपको बताना चाहूंगा जिससे कि आपको भी कंफ्यूजन ना रहे। दरअसल आईपीएल 2024 के लिए जब ऑक्शन हो रहा था तब पंजाब किंग्स ने शशांक नाम के एक खिलाड़ी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। पंजाब की टीम 19 साल के शशांक को खरीदना चाहती थी लेकिन ऑक्शन में बोली उन्होंने 32 साल के शशांक पर लगा दी। पंजाब ने छत्तीसगढ़ के इस खिलाड़ी को खरीद तो लिया लेकिन बाद में फ्रेंचाइजी ने इससे इनकार कर दिया कि वो उन्हें खरीदना ही नहीं चाहती। लेकिन बोली लग जाने के बाद टीम ने उन्हें अपने साथ बनाए रखने का फैसला किया और सोशल मीडिया पर इसको लेकर उन लोगों ने सफाई भी पेश करी। ऐसे में अब जबकि पंजाब के टीम मैनेजमेंट को ऑक्शन में लिए गए, उनके इस फैसले पर किसी तरह का कोई पछतावा भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि शशांक को उन लोगों ने तब 20 लाख रुपए की कीमत में खरीदा था। अगर हम लोग शशांक के आईपीएल परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको और भी ज्यादा शॉक लगेगा क्योंकि शशांक का इसके पहले का जो आईपीएल परफॉर्मेंस रहा था वो वाकई में उतना कोई खास नहीं रहा था। ऐसे में ऑब्वियसली बात है, कई लोग बोल रहे थे कि यार ये क्या है, मतलब आप इस बात को यूं समझिए कि शशांक के अब 14 आईपीएल मैचेस की 9 इनिंग में 160 रन है ना, अभी तक के टोटल की बात कर रहा हूं, और सिर्फ आज के मैच की अगर हम लोग बात करें तो बंदे ने 60 रन बनाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 160 में 60 गए तो क्या इनके पिछले 13 मैचों में सिर्फ 100 ही रन थे? हाईएस्ट इसके पहले जो था इनका शशांक का वो सिर्फ 25 रन था। बंदे ने कल के मैच में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है वो परफॉर्मेंस वाकई में उसके लिए एक उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। सिर्फ 20 लाख रुपए में जिस खिलाड़ी को खरीदा था उस खिलाड़ी ने ऐसी परफॉर्मेंस निकाल के दी है जिस परफॉर्मेंस ने पंजाब किंग्स के फॉर्च्यून को गुजरात के सामने इतना ज्यादा बुलंद कर दिया कि मैच पंजाब की झोली में आ गया। वो मैच जो पंजाब के हाथ से निकल चुका था, ऑलमोस्ट पंजाब जो मैच हार चुकी थी उस मैच को पंजाब गुजरात के जबड़े से छीन कर बाहर ले आया और आखिरी में जीत दर्ज कर दी। मैच 18वें ओवर तक गुजरात की गिरफ्त में था लेकिन आखिर तक शशांक ने अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखा और नैया पंजाब की पार लगा दी। हम लोग कई बार बात करते हैं इस तरह की हीरोइक्स की लेकिन यहां पर एक हीरोइक्स हमारे सामने ही हुई है। कई लोग बोलते हैं कि यार जो MI CSK RCB के अलावा जो मैचेस होते हैं वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होते, बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कुछ अनकैप प्लेयर्स के ऊपर भी नजर रखें। शिखर धवन की एक आपको अच्छी बात बताता हूं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शिखर धवन से जब मैच की जीत को लेकर बात करी गई तो ऑब्वियसली बात है शशांक के बारे में उससे बात हुई, लेकिन शशांक के बारे में तो बात हुई बट आशुतोष को लेकर कोई सवाल नहीं किया गया। वही आशुतोष जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेला था और आखिरी में शशांक के साथ आशुतोष ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिल्ड करी थी। ये दोनों ही अनकैप्ड प्लेयर्स हैं और आशुतोष तो एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलने के लिए आया था। 16 बॉल में कुछ 30-31 रन बंदा बना के गया, ऐसे टाइम पर बना के गया जब जीतने के लिए कुछ 27 बॉल में 50-1 रन की दरकार थी। तो वहां से जो मैच घूमना शुरू हुआ तो एक तरीके से दो यंगस्टर्स जो हैं ये पंजाब के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए क्योंकि मैच वाकई में पंजाब की गिरफ्त से निकल चुका था, 4 विकेट बहुत सस्ते में गिर गए थे और वहां से वापसी करके 200 रन के टारगेट को अचीव करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आईपीएल के इतिहास में 200 रन के टारगेट को सबसे ज्यादा बार चेज करने का रिकॉर्ड भी अब पंजाब के नाम गया है। चेज करने की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा बनाने का रिकॉर्ड तो अभी भी चेन्नई के ही नाम है लेकिन सबसे ज्यादा चेज करके जीतने का जो रिकॉर्ड है अब वो पहुंच गया भैया पंजाब की तरफ। आज का मैच पंजाब के लिए ऐसा था जिसको कि शायद वो भूलना चाहेंगे क्योंकि गुजरात ने पहले बैटिंग करी और शुभमन गिल अपने कप्तान की एक बढ़िया पारी के बदौलत उन्होंने जो स्कोर पोस्ट किया था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था।
199 रन इन्होंने बनाए थे, 200 रन का टारगेट मिला था और आप किसी भी पिच के ऊपर चले जाए, देखिए 200 रन का टारगेट हमेशा ही साइकोलॉजिकली आपको अफेक्ट तो करता ही है। और जीटी की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो उनकी बॉलिंग भी कोई इतनी खराब नहीं है, मतलब अगर हम मोहित की ही बात करें, मोहित शर्मा की, तो मोहित शर्मा मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल इतिहास के वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो चेन्नई से निकलने के बाद फॉर्म को वापस लेकर आए, वरना अमूमन देखा गया है कि जब कोई खिलाड़ी चेन्नई में जाता है तो बिल्कुल गन्ने की तरह चुस्के ही बाहर आता है। भाई बेन स्टोक्स को ही देख लो, पहले तो पिछले आईपीएल से बाहर हुए, फिर इस आईपीएल से बाहर हुए, और अब तो सुनने में आ रहा है कि बंदे ने टी20 वर्ल्ड कप से भी अपना नाम वापस ले लिया है। तो भाई सीएसके में जो गया वो बिल्कुल चुस्के बाहर आया। अंबाती राइडू खत्म हो गए, हरभजन सिंह खत्म हो गए, लेकिन मोहित शर्मा सीएसके से बाहर गए उसके बावजूद भी जैसा परफॉर्म कर रहे हैं वाकई में आपको ध्यान देने लायक परफॉर्मेंस है। एक पेस बॉलर होने के नाते जिस तरीके से मोहित इस समय अपने आप को कैरी कर रहे हैं, जिस तरीके से टीम को बांध कर चल रहे हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कल के मैच में वो शायद सिर्फ एक प्लेयर से हारे और वो थे शशांक। शशांक की पारी सबके ऊपर भारी पड़ गई और शशांक की पारी से भी बड़ा था उसका एटीट्यूड, जिस एटीट्यूड के साथ में इस गेम को उसने खेला, एक हारे हुए मैच को जीता, तो भाई कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन तो बनता ही। अगर हम लोग बात करें यहां पर स्कोर कार्ड की, तो स्कोर कार्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है कल का, क्योंकि यहां पर शशांक सिंह जो था, मतलब इसने पूरे मैच को अपने नाम कर लिया, ओन कर लिया इस मैच को, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला शशांक को। और सही में मतलब यहां पर एक ऐसा मैच देखने के लिए मिला है जो कि काफी लंबे समय के बाद में आईपीएल का और इंटरेस्टिंग बना रहा है। सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि ये दोनों अनकैप्ड प्लेयर्स थे, शशांक और आशुतोष, और उसके बाद इन दोनों ने जिस तरीके से मैच को छीना ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर हम बात करें पहले गुजरात की, तो गुजरात ने शुभमन गिल के 89 रन के कंधों के ऊपर बैठते हुए 199 रन का स्कोर पोस्ट किया था 4 विकेट पर 20 ओवरों में। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग एज सच किसी ने कोई बहुत खास करी नहीं है, तो बात करने लायक लग नहीं रही है, मतलब मिनिमम जो रन रेट गया वो 8.2 का गया। अर्शदीप पर 4 ओवर में 33 रन देकर कोई भी विकेट नहीं। बात करें पंजाब की बैटिंग की, तो शुरुआत बहुत खराब रही थी, शिखर धवन सस्ते में निपट लिए थे, जॉनी बेरिस्टो का बल्ला थोड़ा बहुत जरूर चला, 13 बॉलों में 22 रन बनाए, प्रभसिमरन ने एक बढ़िया सपोर्ट दिया जॉनी बेरिस्टो को और 24 बॉलों में 35 रन बनाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन पारी देखने के लिए मिली वो थी शशांक सिंह और आशुतोष की। आशुतोष शर्मा ने जिस तरीके से अपनी इनिंग को खेला, बंदा 17 बॉलों में 31 रन बना के गया, और जिस पॉइंट पर बना के गया उस समय ऑलमोस्ट रन रेट जो था वो 10-11 को टच कर रहा था और बहुत कम ओवर्स भी बचे थे। अब देखिए इंपैक्ट प्लेयर का तो काम ही होता है कि वहां जाकर सबका मनोबल बिगाड़ना और जो लाइन लेंथ चल रही होती है फील्डिंग टीम की उसको बिगाड़ना, और आशुतोष ने वो काम बखूबी किया। और सबसे अच्छी बात मुझे शिखर धवन की ये लगी कि जब शिखर धवन से पूछा जा रहा था प्लेयर्स के बारे में और आशुतोष के बारे में कोई सवाल नहीं हुआ, तब उन्होंने आशुतोष को लेकर बात कही। देखिए उन्होंने खुद कहा कि मैं आशुतोष के बारे में भी ये बातें कहना चाहता हूं। इससे होता ही है कि जो देखिए प्लेयर सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखते हैं, अब वहां पर जब आशुतोष को लगेगा कि नहीं यार ये देखो मेरा कप्तान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो यार देखो उसके मन में उसके लिए एक रिस्पेक्ट आएगी, और रिस्पेक्ट तो हर जगह पर सबसे ज्यादा जरूरी होती है। दूसरी चीज, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के ठीक पहले आशुतोष से बात करी गई थी, तब भी उन्होंने टीम मैनेजमेंट संजय बांगर और जो इनके कोच हैं उनको लेकर वाकई में सही बात कही थी, कप्तान को लेकर सही बात कही थी कि इन लोगों ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया उसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूं। और कहीं ना कहीं हम लोग जब शशांक की पारी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमें आशुतोष की पारी क्या हुई उतना ही ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताएं आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।